गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो है अपना चैप्टर काबुली वाला जो हमारा रहता था उसको कंप्लीट करेंगे। हमने पढ़ा था कि रहमत जो है हर साल सर्दियों में अपने घर जाने से पहले वो जो है लोगों से अपना पैसा वसूल करता है, और ऐसा करते हुए उसकी जो है उसका किसी से झगड़ा हो जाता है और रहमत जो है किसी को चाकू मार देता है और पुलिस वाले उसे पकड़कर ले जाते हैं। देखो, अब हम आगे पढ़ेंगे। कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपये उस पर बाकी थे, बकाया, बाकी बकाया रहते थे, जिन्हें देने से उसने मना कर दिया। मना, इनकार। मना का एक पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इनकार हो जाएगा। इनकार कर दिया। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और काबुली वाले ने उसे छुरा मार दिया। इतने में काबुली वाले कहते हुए मीनी घर से निकल आई। झगड़ा किस बात पर हुआ था? पैसों को लेकर। उसने जो है देने से मना कर दिया तो रहमत ने जो है उसे मारा। रहमत का चेहरा क्षण क्या होता है? पल भर के लिए खिल उठा। जब उसने मीनी की आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर एक चमक आ गई, एक हंसी जो है उसके चेहरे पर दिखाई दी। मीनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वही तो जा रहा हूँ। तो रहमत ने क्या कहा, क्योंकि वो कहाँ जा रहा था? पुलिस स्टेशन, थाने में जा रहा था। तो उसने जो है हंसकर कहा कि हाँ, मैं अपने ससुराल ही जा रहा हूँ। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हो गई। कई साल बीत गए। आज मीनी का विवाह है, आज मीनी की शादी है। मैं अपने कमरे में बैठा खर्च का हिसाब लिख रहा हूँ। इतने में रहमत सलाम करके एक और खड़ा हो गया। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? कहाँ से? जेल से। तो लेखक ने रहमत से पूछा कि जेल से छूटकर कब आए। रहमत को कई साल की जो है सजा हो गई थी। इतने में जो है मीनी शादी के लायक हो गई और उसकी शादी जो है तय हो गई थी, और उस दिन जो है मीनी की शादी थी जिस दिन रहमत जेल से छूट कर आया। कल शाम को ही जेल से छूटा हूँ। शाम का पर्यायवाची क्या होगा? संध्या सांझ भी लिख सकते हो आप। सांझ, दो पर्यायवाची इसके। को जेल से छुटा हूँ, उसने बताया। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, मैं उसी में लगा हूँ, आज तुम जाओ फिर आना। तो लेखक जो उसे कहता है कि घर में कोई फंक्शन है, घर में एक जरूरी काम है, तो आज समय नहीं है, तुम फिर कभी आना। वह उदास का समानार्थी क्या हो जाएगा? निराश। उदास, निराश होकर जाने लगा। दरवाजे के पास रुक कर बोला, जरा बच्ची को देख नहीं सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मीनी अभी भी वैसी ही बच्ची है। रहमत भूल गया था कि उसे जो है जेल गए हुए काफी दिन हो गए हैं और मीनी इस बीच जो है बड़ी हो गई होगी। उसे अभी यही लग रहा था कि मीनी वैसी ही जो है छोटी सी बच्ची होगी। एक जरा ये है बेटा और एक जरा ये होता है। देखो, नुक्ता लगने से दोनों का मीनिंग बदल जाता है। ये जरा, इसको बोलते हैं जरा, ये क्या है? थोड़ा। और ये है जरा, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। क्या होता है? बुढ़ापा।